अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समीन क्रिएशन। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम सीख रहे हैं चपली कबाब रेसिपी। सो लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। ये देखिए, ये है मटन जो कि हमने लिया है। बीफ भी ले सकते हैं आप। ये देखिए, अब मैं आपको प्याज दिखा रही हूँ। ये प्याज जो है, ये हमने इस तरीके से चॉप कर करके रखी हुई है। ये देखिए कि प्याज को कटिंग बोर्ड के ऊपर चॉप करने का तरीका है। इससे आपका ना ही अंगूठा जख्मी होगा और ना ही कोई आपको ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। देखिए कितना जल्दी जल्दी इजीली इस तरीके से कट जाती है। आपने चारों फिंगर्स रखनी होती हैं अनियन के ऊपर और फिर दूसरी साइड से कट करते जाना है। इस तरीके से जल्दी से ये कट हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये तो कट गई हमारी प्याज। देखिए, सब चीज़ें हम ज़्यादा ले रहे हैं, बट जब हम डालेंगे तो असल क्वांटिटी उसी की काउंट होगी। ओवरऑल ये सब चीज़ें यूज़ होने वाली हैं हमारी इस रेसिपी के अंदर। तो व्यूअर्स, हमने लिया है मटन 1 kg। आप बीफ भी ले सकते हैं। चपली कबाब दोनों की अच्छे लगती हैं। देखिए, ये अनियन है जो भी हमने चॉप की थी। एक अनियन उसमें से हमने ले ली है, 1 कप। ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 to 3 tablespoons अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट हम इसको यूज़ करेंगे। दिस इज़ ग्रीन चिली पेस्ट, 2 to 3 tablespoons एज पर माई टेस्ट। कॉर्न फ्लोर 2 tablespoons रिक्वायर्ड। ये है लेमन जूस 2 to 3 tablespoons। देन क्यूमन सीड पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है, फिर ये ब्लैक पेपर पाउडर है, फिर वाइट पेपर पाउडर है, उसके बाद चपली कबाब मसाला है, फिर हमने सॉल्ट भी डाला है इसके अंदर। ये क्रीम हम यूज़ कर रहे हैं इसको। इसके अंदर हम 2 tablespoons इस क्रीम के यूज़ करेंगे। आप कोई भी क्रीम और यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने कीमे के अंदर ये अपनी चॉप की हुई प्याज डाल दी और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ये सारे स्पाइसेस। इस सारे के सारे 1 tablespoon इतने ही डालेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा सारे डल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो आपका नमक मिर्चें तेज़ हो जाए। ये देखिए, ये ग्रीन चिली पेस्ट हमने सारे का सारा डाल दिया है। आपके अंदाजे से तकरीबन 2 tablespoons है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए, ये भी हम तकरीबन 2 tablespoons 1 to 1.5 tablespoons डाला हमने ये। अब हमने डाला है कॉर्नफ्लोर। ये बाइंड करने के काम आता है, इससे टूटता नहीं है हमारा कबाब। उसके बाद हम डाल रहे हैं लेमन जूस। इसको भी आप अच्छे तरीके से स्प्रेड आउट कर दें। 2 tablespoons ऑलमोस्ट डाला। अब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई मेरी मेहनत। इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। बारबेक्यू का सीज़न है आजकल इस टाइम, तो ये सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रेसिपी है। ये ऐसी बनाई है मैंने कि आप इसको घर में बना सकते हैं। स्टिर फ्राई करेंगे हम इसको, हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे। डीप फ्राई से ज़रूर कबाब टूटते हैं। और ये हम अब इसमें क्रीम डाल रहे हैं, वही 2 tablespoons ऑलमोस्ट डालेंगे। तो व्यूअर्स, इसको हम स्टिर फ्राई करने वाले हैं। बारबेक्यू के अंदर भी हम सिर्फ ज़रा सा ऑयल डालते हैं, तो इसी तरह इसके अंदर भी हम ज़रा सा ऑयल डालेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे तरीके से मिक्सअप हो चुका है। ये देखिए जी, हमने एक कोयले को अच्छे तरीके से चूल्हे पे सुलगाया है। अब हम इसके अंदर जगह बना रहे हैं। जो हमने मटेरियल मिक्स किया ये रख दिया हमने बीच में, काफ़ी गर्म हो रहा है ये। देखिए, इसको हमने बीच में रखा है और अब हम इसके ऊपर ऑयल के 2 tablespoons, अदरवाइज 1 tablespoon भी काफ़ी है, डालेंगे। तो ये इतना आपने करना है, इसको इतना जलाना है कि लाल लाल सा ये हो रहा हो चूल्हे पर। फिर आपने फ़ौरन से इसके अंदर डाल के ऊपर ढक देना है। ये उन लोगों के लिए जो लोग बारबेक्यू नहीं कर सकते, कोयले नहीं मंगवा सकते, प्रॉपर जो बारबेक्यू होता है सीखे नहीं मंगा सकते। तो ये देखिए, इस तरीके से आप इसको फ्राई पैन में बनाएंगे और उनमें कोयलों का जायका भी आएगा।
ये देखिए इनको 10 मिनट्स हो गए हैं, अच्छी तरह से जज्ब हो गया इनका स्मोक, कोल्ड स्मोक इसके अंदर। इसको हम लोगों ने रखा था मैरिनेट करके ऑलमोस्ट 2 आवर्स के लिए, 2 घंटे के लिए रखा है। अगर आपको जल्दी है तो आप कम टाइम के लिए भी, आधे घंटे तक के लिए रखना लाजमी है, 2 घंटे तक ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अब मैं इसकी शेप बना रही हूँ चपली कबाब की। चपली कबाब की काफ़ी सारी शेप्स होती हैं, मतलब कुछ ज़्यादा चौड़े से लंबे से, ज़्यादा चिपटे हुए होते हैं बहुत बड़े साइज़ के, और कुछ नॉर्मल भी होते हैं। फिर मैं नॉर्मल साइज़ के वो बना रही हूँ क्योंकि मेरे से कैरी नहीं होगा फिर फ्राई करते हुए, तो इस वजह से मैं नॉर्मल कबाब का साइज़ ही अप्लाई कर रही हूँ इस पर। आप इसकी शेप कोई भी दे सकते हैं, इवन आप इस शेप में सी कबाब भी बना सकते हैं इसी के ही। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। व्यूअर्स, मैंने और भी काफ़ी सारी सी कबाब की, बारबेक्यू की रेसिपी शेयर की हैं, रान रोस्ट की रेसिपी शेयर की है। उम्मीद करती हूँ वो आपने ज़रूर चेकआउट की होगी, और अगर अभी तक आपने मेरी वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो उनको ज़रूर चेक कीजिएगा, उनमें से काफ़ी रेसिपीज़ आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। इस तरीके से हम ये सारे का सारा बना लेंगे। मैं अभी आपको थोड़े कम करके 3-4 फ्राई करके दिखा दूँगी, इस तरीके से आप प्रॉपर फ्राई कर सकते हैं। बेसिक टेक्निक जो है वो ये है कि इसके अंदर हम ऑयल काफ़ी कम यूज़ करेंगे और इसको स्टर फ्राई करेंगे। ये देखिए ऑयल ना होने के बराबर आपको दिख रहा होगा। अब हम इसके अंदर ये डाला है तो हल्का सा ऑयल दिख रहा है, यानी बहुत हल्का ऑयल यूज़ करेंगे और इसको आग पे पकाएंगे। बस यही इसी से ये पकेगा। ये देखें, ये जो शेफ़ टेक्निक होती है, इस तरह से आपने इसको पकाना है। ऑयल सब जगह पहुंच गया है तीनों कबाब तक। अगर आप इसको फुल डीप फ्राई करेंगे तो ये बिखर के अलग अलग हो जाएंगे। व्यूअर्स, जिस तरीके से आपने इनको फ्राई करना है, साइड बदलते हैं आराम से। ये साइड ख़राब हो रही है। व्यूज, ये आपने बहुत आहिस्ता आहिस्ता आराम से इनको कट करना है। व्यूज, मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरे कबाब किस किस्म के लगे, इनका टेस्ट कैसा था, इनको आपने ट्राई किया या नहीं किया। आई होप आपको ये पसंद आएंगे। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा जूसी हैं और ये पकाने में इतना इजी थे, और जब इनको आप खाएंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। आप इनको ख़ुद ट्राई करेंगे तो आपको ख़ुद भी यकीन आ जाएगा। व्यूअर्स, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के कबाब तैयार हो चुके हैं हमारे ऑलमोस्ट। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। जब तक मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे एक फीडबैक दीजिएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कौन सी रेसिपी बनाऊँ। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देयर टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।